मतलब अभी फोटोशूट वगैरह के लिए पूरी किट वगैरह लेके यहाँ नहीं आ सकते? नहीं, ऐसा नहीं आ सकते अभी। तो गाइस आज मैं आया हूँ किशन बाग जयपुर, और ये रिसेंटली अभी अभी खुला है, और हम यहाँ पे आए हैं आज आपको ये पूरा एक्सप्लोर कराने कि किशन बाग में आखिर क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या बना रखा है। और मैंने सुना है कि पूरा रेगिस्तान वाला फील है यहाँ पे, तो अंदर चलते हैं, आपको रेगिस्तान वाला जैसा भी फील होता है यहाँ पे, जो जो भी चीज़ें होती है वो सब मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। टिकट की प्राइस यहाँ पे क्या है, पार्किंग यहाँ पे कैसी है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ठीक है, आगे मिलते हैं। किशन बाग में, और एंटर होते ही अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है तो आप इस तरफ जाइए, और यहाँ पे दो दो पार्किंग है, कार के अलग पार्किंग है और बाइक के लिए अलग पार्किंग है। और हमने हमारी जो बाइक है, हमारी स्कूटी है, हमने वहाँ पार्क की है। ठीक है, कार की भी अच्छी खासी पार्किंग बनी हुई है, काफ़ी बड़ी, और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और बाकी हम आप आगे चलते हैं। सर टिकट कहाँ मिलेगी? सर सामने। ठीक है, तो आप टिकट लेने चलते हैं। टिकट्स, और यहाँ की टिकट की प्राइस हम जानते हैं क्या होने वाली है। भैया कैसे हैं आप? भैया आपका नाम क्या? भैया आदिल। आदिल भैया का नाम आदिल है। तो भैया टिकट की प्राइस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 50 रुपीज़ कंपलसरी, जिसमें से 20 रुपीज़ आपकी एंट्री और 30 रुपये गाइड के। 30 रुपये गाइड के? गाइड। अच्छा, और यहाँ पे टाइमिंग्स का कैसे क्या रहता है? टाइमिंग यहाँ पे मंथ वाइज सनसेट और सनराइज के ऊपर होता है डिपेंड। अच्छा, अंधेरा होते ही ये पार्क बंद हो जाता है, जैसे अप्रैल टू अक्टूबर 6:30 से 7 बजे। ठीक है, और नवंबर टू मार्च 8 से 5:30। अच्छा, इस तरीके से ये टाइमिंग रहती है? ये टाइमिंग रहती है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया भैया, अब हमारी टिकट्स आप दे दीजिए हमें। तो गाइस हमने टिकट्स ले ली है, और टिकट्स हमें पड़ी है 50 रुपीज़ की, इसके साथ गाइड भी अवेलेबल कराया गया है हमें। तो ठीक है, आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस वॉशरूम की अच्छी खासी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। पानी की अवेलेबल है, ये गर्ल्स है और वो बॉयज़ का वॉशरूम है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो आप कितना अच्छा खासा वॉशरूम है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, पूरा नीट एंड क्लीन है, देख सकते हो आप। तो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ, तो अभी हम पार्किंग में खड़े हैं, ये जो रैंप दिख रहा है आपको, इससे हम चढ़ के विजिटर सेंटर पे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने बता रखा है कि चट्टानों में कैसे पौधे उगते हैं, फिर धूप का पेड़ क्या है, अरावली में हमें धूप का पौधा, फिर रेत से बनी चट्टाने की, रेत से कैसे चट्टाने बनती है, और राजस्थान में कितने प्रकार के स्टोन्स हमें मिलते हैं, अलग अलग टाइप के स्टोन्स लाए कि वो कैसे बनते हैं, फिर रोई गैलरी बनाई हमने कि रोई क्या है। तो ये जो झाड़ीनुमा जंगल आप इस पार्क के अंदर देखेंगे उसको रोई बोलते हैं हम, और फिर स्पेशल हैबिटेट्स कुछ हमने अलग अलग उठे हुए रेस बैंड बना रखे समझने के लिए रेगिस्तान कैसा है, और एक छोटा पॉन्ड कि रेगिस्तान में अगर पेड़ पौधे पॉन्ड होते हैं तो उसमें किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, फिर लॉन्ग हाउस है जहाँ हमारी नॉर्मल वॉक की रेस वॉक एंड हो जाती है। विजिटर सेंटर से लॉन्ग हाउस का डिस्टेंस 600 मीटर है अराउंड, और जो सैंड्यून, फिर उसके बाद लॉन्ग हाउस के बाद आप एक्चुअली धोरों में चल सकते हैं, सैंड्यून वॉक वो अनदर 1.2 किलोमीटर है। okay, तो अगर आप टोटल आना जाना अराउंड आपको 4 किलोमीटर हो जाएगा। 4 किलोमीटर हो जाएगा। ओके भाई, थैंक यू सो मच। कितने लोग आते हैं यहां पे वीडियोस बनाने रोज? आते हैं कुछ, बहुत सारे लोग ब्लॉग करने भी आते हैं, कुछ फोटो शूट करने आते हैं। फोटो शूट अलग है यहां पे, मतलब नॉर्मल अगर मोबाइल से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर एज अ कमर्शियल फोटो शूट के लिए अभी बात चल रही है कि कमर्शियल फोटो शूट के लिए अलग प्रोसेस होगा, अलग टिकट्स होगा।
अच्छा तो उसका तो कुछ चार्ज वगैरह होगा ना? हाँ, अलग से कमर्शियल फोटोशूट का अलग चार्ज होगा। अच्छा मतलब अभी फोटोशूट वगैरह के लिए पूरी किट वगैरह लेके यहाँ नहीं आ सकते? नहीं, ऐसा नहीं आ सकते अभी, हम प्रोसेस चल रहा है, जेडीए से बात चल रहा है कि उसका क्या चार्जेज होगा, उसका अलग चार्ज होगा। ओके भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गाइज हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और सही में कितनी ऑसम प्लेस है ये, यहीं से फील आ रहा है मुझे, बहुत अच्छी वाली वाइब आ रही है। तो ठीक है, आगे चलते हैं और आपको पूरा ये एक्सप्लोर कराते हैं, पूरा का पूरा किशनबाग। चले बस यही यही पे ही है, अच्छा पेड़ पौधे अच्छा बस ये एक यही है और एक नीचे है, बस दो ही हैं है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो गाइस देख सकते हो आप, वॉशरूम बहुत अच्छा खासा अवेलेबल है, पर एक तो नीचे है और एक ये है, ठीक है। तो आगे नहीं है तो आप थोड़ा ध्यान से आइएगा, ठीक है। बहुत अच्छा खासा बना रखा है और आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है इस जगह का, मतलब लग ही नहीं रहा कि हम जयपुर में हैं, ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में आ गए। गाइस हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है, आपको बताया कुछ, आज तो शूट करने वाली जगह है ना, एकदम तगड़ी लोकेशन है ना वो ना। ओ भाई साहब कैसा लग रहा है जगह आके? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मस्त है ना जगह, वो रेगिस्तान की तरह लग रहा है ना, समझ, वो रेगिस्तान की तरह लग रहा है। देख उसको, देख ढंग से देख, ये अगर तू जैसे रेगिस्तान वगैरह या कहीं पे जाएगा ना आउटसाइड में राजस्थान में, हाँ। तेरे पे ऐसी ही जगह मिलेगी। सही है, चेक यहाँ पे देखिए, देख यहाँ से चालू हो गई, देख चट्टानों में उगते पौधे, मतलब चट्टानों से पौधे उगते हैं और ये हम लाइव देख, मतलब चट्टानों से पौधे उगते हैं, चट्टानों से पौधे उग रहे हैं, आप देख सकते हो, ये देखो ये उग रहा वो उग रहा, आप देख सकते हो इधर से भी उग रहे हैं। सही है, बस आ जा, रेत से बनी चट्टाने कहाँ है भाई, रेत से तो बनती है चट्टाने कहाँ है भाई, ये रही ना ये, और क्या ये क्या भाई, उधर उधर देख उधर क्या लिखा हुआ है, क्या, अरे बलुआ पत्थर, अरे भाई यही है शायद, फिर तो काफी सारे उग रहे हैं, कृपया हमेशा पथ पर रहें, मतलब ये है कि आप इनको खराब ना करें, जो रास्ता है रास्ता रास्ता चले, दरारों की खोज प्लीज। आप यहाँ देख सकते हो, आपको जो जो भी यहाँ पे बना रखा है उसकी सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे जगह जगह पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है ये, तो गाइस देख सकते हो कितनी प्यारी लोकेशन है ये, ऐसी लोकेशन आपने पूरे जयपुर में कहीं नहीं देखी होगी, और पूरा रेगिस्तान वाला फील है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो पेड़ है वो सर्वाइव कैसे करते हैं रेगिस्तान वाले इलाके में, तो आप देख सकते हो क्या है यहाँ पर, अलग 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 तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे रेगिस्तान के अंदर बहुत ही तरीके से बनाया गया है, ऐसे चट्टानों के अंदर से पेड़ पौधे निकल रहे हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दे रखी है, साथ के साथ में हर चीज़ की डिटेल्स आपको दे रखी है, और यहाँ पर कितना मज़ा आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग जगह है, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, पूरा का पूरा आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, वीडियो के साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो, आपने बहुत सारे पत्थर देखे होंगे और कई पत्थरों को हमने इग्नोर भी किया होगा, मतलब आपने कई तरह के पत्थर देखते हैं, लेकिन पता है पत्थरों में भी यहाँ पे बहुत तरह की कैटेगरी कर रखी है, बहुत कैटेगराइज कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो ये एक डिफरेंट पत्थर है, और यहाँ पे देखो इसका नाम भी लिखा हुआ है कि कौन से क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है, पूरा नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी देखो आप, ये कितना अलग तरह का पत्थर है, बहुत ही अलग तरह का, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे बनाया गया है, किस चीज़ से बनी हुई है ये, रिपल्स दैट सर्वाइव्ड, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, हर चीज़ को एक नाम दिया गया है, और ये देख सकते हो बारीक कण वाला क्वार्टजाइट, मेरे से नाम भी नहीं बोला जा रहा, देख सकते हो आप ये वो पत्थर है, और साथ में डिटेल्स भी दे रखी हैं। तो मुझे क्या है, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे राजस्थान में ज्वालामुखी,
डिटेल्स रखी है आपको, और शायद से उसी का ही है सब कुछ। ये देखो यहाँ पे राख से बनी चट्टाने, मतलब राख से भी चट्टाने बनी हुई है। ये सारी की सारी चट्टाने जो है राख की है, जब लावा ठंडा होता। मतलब काफ़ी सारी आपको यहाँ पे अच्छा खासा ज्योग्राफी का नॉलेज, अगर आप ज्योग्राफी लवर हो तो आप ये जगह आपके लिए है। ये पत्थर बनाए हुए हैं स्लेट, वहाँ लिखा हुआ है दिस इज स्लेट, और शायद ये वही पत्थर है जो शायद मैं बचपन में खाया करता था। खा के देखूँ क्या यार, टूट ही नहीं रहा। चलो चलते हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more. तो अब हम आए हैं डेजर्ट पूल, रेगिस्तान के ताल तलैये, और आप देख सकते हो यहाँ पे पूल बना हुआ है पेड़ पौधों के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है साफ साफ कि जो कमल की पत्तियाँ हैं वो कभी भी भीगती नहीं है। वो क्यों नहीं भीगती उसकी सारी जानकारी आप देख सकते हो यहाँ लिखी हुई है। तो अगर आपको ये लोकेशन पसंद आ रही है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और देख सकते हो आप ऐसी लोकेशन आपने कहीं नहीं देखी होगी, पूरे जयपुर में कहीं देखी होगी। आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस मैं लाता रहता हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इस पूरी जगह को और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहां पे क्या क्या है। ठीक है चलो। हे गाइस, आ गए आप लोग, तो अब आगे चलते हैं। गाइस देख सकते हो क्या लोकेशन है, मतलब जगह जगह पर आराम करने के लिए आपके सारा इंतजाम सारा जुगाड़ कर रखा है यहाँ पे। और घुमा दे यार वीडियो, घुमा दे उधर से घुमा दे बस। रेगिस्तान का जो पूरा फील है वो अब मैं आपको करा। तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और साथ ही मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, ऐसे शांत माहौल में पूरे जयपुर में इतना ज़्यादा शांत माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुझे ये शांत माहौल मिला था नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे भी तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। और ये जगह अभी नई नई है, 10-20 दिन हुए हैं इसको खुले हुए, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आओ और आप खुद आके यहाँ पे एक्सप्लोर करो। जो जो चीज़ें मैंने नहीं दिखाई आपको, आप मुझे वो सब चीज़ें दिखाओ और मुझे टैग करो। ठीक है गाइस, आगे मिलते हैं। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, energy khatam ho gayi. Ghumte ghumte energy khatam ho gayi puri. बहुत बड़ी जगह है ये, बहुत ज़्यादा। आपको कम से कम है ना 2-2.5 घंटे चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए आराम से। और आराम से देखोगे ना तो आपको तो यहाँ पे शाम ही हो जाएगी दिन से। और बस हम थोड़ी देर में ब्लॉग एंड करने वाले हैं, और अभी हम चल रहे हैं रेगिस्तान में। ठीक है, इधर उधर नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता ही नहीं है। तो गाइस देख सकते हो हम वहाँ से आए थे, हम
वहाँ से आना स्टार्ट किया था और देखो अब हम कहाँ पर आ गए, कितना दूर आ गए देखो यहाँ पर। और अभी हमें घूम के जाना है, पूरा पूरा का पूरा टूर कर लूँगा आज मैं इसका। तो गाइस देख सकते हो आसपास टीले बने हुए हैं, कि रेगिस्तान की मिट्टी पूरा फील दे रही है। देखो कितने बढ़िया बढ़िया टीले बने हुए हैं यहाँ पे। मतलब अगर आप सिटी में रहने वाले हो ना और आपने कभी गांव का इलाका नहीं देखा, गांव नहीं देखा, क्योंकि गांव में रास्ते में पड़ती हैं सब चीज़ें, टीले वगैरह बने हुए रहते हैं बड़े बड़े, नहीं तो ये जगह आपके लिए है। अगर आपने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि यार ये होते कैसे टीले वीले, ठीक है, और ये बिल्कुल गांव जैसा फील है। हमारे गांव में काफ़ी ऐसे रास्ते बने हुए हैं, मैं काफ़ी चला हुआ हूँ, घुमा हुआ हूँ ऐसे रास्तों में, तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा नया नहीं है। तो हे गाइस, मैंने पूरा का पूरा किशनबाग एक्सप्लोर करा दिया है आपको, और अगर कुछ रह गया हो तो मैं चाहूँगा कि आप खुद आके यहाँ पे खुद सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो। और यहाँ पे आप देख सकते हो टीले वगैरह बने हुए हैं। अगर आप सिटी में रहने वाले हो तो मैं कहूँगा आप यहाँ पे आओ, आप टीले वगैरह देखो। यहाँ पे अलग अलग तरह की प्लांट्स हैं, पत्थर हैं अलग अलग तरह के, जिनका नाम हमें नहीं पता, ठीक है, यहाँ पे कैसे बनते हैं, क्या होता है प्रोसेस, पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे आने के बाद मिल जाएगी। तो ठीक है, अभी इस व्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है यहाँ पे मुझे, और मैं पूरा शूट कर चुका हूँ, जहाँ तक जितना मैं कवर कर पाया उतना मैंने कवर किया। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, हमेशा की तरह शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, जयपुर से हो, ठीक है, जयपुर से हूँ मैं और आप भी जयपुर से हो मुझे पता है, और नहीं हो तो भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस, बाय, जा रहा हूँ मैं।